हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ एंड इट्स वेव फॉर्म। यानी यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं थ्री फेज सिस्टम जो रहता है उसमें वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होता है और इसी के साथ उसकी वेव फॉर्म और उसकी फेजर डायग्राम कैसी रहेगी ये हम देखेंगे। तो उससे पहले हमने सिंगल फेज जनरेटर देखा था, उसमें का जो सिंपलेस्ट पार्ट रहता है ये रहता है एलिमेंट्री जनरेटर। एलिमेंट्री जनरेटर यानी ऐसा अल्टरनेटर या फिर ऐसा जनरेटर जिसमें सिर्फ सिंगल टर्न ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल रहती है। दोस्तों ये वीडियो मैंने प्रीवियसली डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको सिंगल फेज सप्लाई के बारे में जानना है तो आप दिए हुए लिंक पे जाके वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंगल फेज सप्लाई जो रहता है कुछ इस तरह से वर्क करता है। ये जो रहता है एक रहेगा नॉर्थ पोल मैग्नेट का, दूसरा रहेगा साउथ पोल। यहाँ पर क्या रहेगा, मैग्नेट के बीच में अगर मैं रेक्टेंगुलर कॉइल या फिर सिंपली कंडक्टर को रोटेट करता हूँ और कंडक्टर के जो दो टर्मिनल्स हैं इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ किसी वोल्ट मीटर के साथ या फिर किसी गैल्वानोमीटर के साथ, तो यहाँ पर मुझे डिफ्लेक्शन दिखाई देगा उसमें। इसका मतलब है कि ये जो कंडक्टर्स है इसमें यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो रहा है। बेसिकली ये वर्क करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी ये कंडक्टर रोटेट हो रहा है तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को यानी मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक लाइन से जैसे ही कट होगी यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये उसका जो स्ट्रक्चर है ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है S1 और S2 ये यानी रिंग्स है, और B1 और B2 जो है ये है ब्रशेस है। इसको फर्दर हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी लोड के साथ, अगर मुझे सिंगल फेज सप्लाई यहाँ पर लेना है तो। तो इसका वर्किंग मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था जैसे कि मैंने बताया है। तो बेसिकली कैसा रहता है, देखिए ये है अपना ए और डी। यहाँ से अगर हम इधर से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ए और डी दिखाई देगा। तो एग्जैक्टली ये ए और डी कंडक्टर अगर हम कुछ इस तरह से होल्ड करते हैं, इसका मतलब है ये जो कॉइल है ये पैरेलल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए कुछ इस तरह से ये मैग्नेटिक लाइंस है और इसको ये जो दो कंडक्टर्स है ये पैरेलल है, पैरेलल रहेगा तो ये मिनिमम लाइंस यहाँ पर कट करेगा या फिर जीरो लाइंस कट करेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये कोई लाइंस कट नहीं करेगा। अगर लाइंस कट नहीं होती है तो वहाँ पर इनिशियल जो ईएमएफ है वो रहेगा जीरो। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें बताता है कि अगर ये यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो ही यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा। यहाँ पर कुछ भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा इस केस में, क्योंकि ये यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बना रहा है लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ। अब अगर ये कंडक्टर हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और अप टू 90 डिग्री, देखिए ये 0 डिग्री था पोजिशन नंबर 1 पे, अब ये 90 डिग्री तक हमने इस डायरेक्शन में मूव कर दिया है कुछ इस तरह से। ऐसा यहाँ से इस तरह से मैंने इसको अगर 90 डिग्री में मूव कर दिया है तो क्या करेगा, ये मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस कट करेगा और उसी वजह से हमें जो लाइन ग्राफ मिलता है कुछ इस तरह से मिलता है। देखिए कुछ इस तरह से इनिशियली 0 था, फिर ये इंक्रीज होते हुए जाएगा और इस पोजिशन पे पहुँचेगा। फिर से अगर हम इसको 90 डिग्री मूव करते हैं फ्रॉम पोजीशन नंबर 2 टू पोजीशन नंबर 3 तो हमें ये जो वेव फॉर्म है देखिए फिर से ये पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। यानी फिर इस लाइन से लेके ये मिनिमम पोजीशन पे जाएगा कुछ इस तरह से, और फिर इस एंगल से हम इसको और रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो देखिए फिर से ये 270 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जनरली ये डायनेमिक यहाँ पर इंडक्शन हो रहा है तो 270 डिग्री इसका फॉर्मूला रहता है BLV sin थीटा। अब साइन 270 डिग्री यानी यहाँ पर -1 रहता है, इसीलिए हमें जो ईएमएफ रहेगा मिलेगा E=, ये निगेटिव में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। इसका मतलब है ये वेव फॉर्म यहाँ पर नीचे जाएगी अप टू मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि ये साइन
270 यानी -1 रहता है, तो हमें वेवफॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और आखिरी में फ्रॉम पोजीशन नंबर 4 टू पोजीशन नंबर 1 अगर हम मूव करते हैं 4 से लेके 1 तक, यानी हम प्रीवियस पोजीशन पे आ जाते हैं, तो ये वेवफॉर्म कुछ इस तरह से कंप्लीट होगी। यानी अगर सिंगल कंडक्टर रोटेट होता है तो उस कंडक्टर में हमें यहाँ पर एक साइन वेव कंप्लीट मिलती है फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। यहाँ पर एक रोटेशन हो रहा है, एक साइन वेव मिल रही है एक कंडक्टर के लिए। अब अज्यूम कीजिए कि अगर हमें कंडक्टर को रोटेट ही करना है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल कंडक्टर हमने अगर बहुत सारे कंडक्टर यूज कर दिए, तो वहाँ पर जो हर एक कंडक्टर रहेगा उसमें वहाँ पर ये क्रिएट होगा सप्लाई। अगर हमने 3 फेजेस इस्तेमाल किए हैं तो वहाँ पर 3 फेज सप्लाई हम जनरेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट को यूज करके 3 फेज सप्लाई यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पर हमने देखिए 3 कंडक्टर्स, ये एक कंडक्टर है ए, दूसरा कंडक्टर है बी और तीसरा कंडक्टर है सी। तो ए बी सी ये जो 3 कंडक्टर है, अगर हम इसको 120 डिग्री, देखिए 360 डिग्री यानी कंप्लीट सर्कल रहता है, उसको हम 3 कंडक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमें 120 डिग्री जो यूनिफॉर्म एंगल है वो मिलेगा। तो हम अगर ये कंडक्टर 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रखते हैं और उसको रोटेट करते हैं, तो यहाँ पर हमें 3 फेज सप्लाई मिल सकता है। ये है हमारा पहला ऑप्शन। यही सर्किट जो है इसका इक्विवेलेंट फिर से 3 फेज जनरेट करना है, तो कुछ इस तरह से देखिए 3 कंडक्टर्स हैं जो साइड में हमने यहाँ पर वाउंड कर लिए हैं, इसको पोल्स कहते हैं। इस पोल्स पे ये कंडक्टर वाउंड किए हैं, और अगर हम बीच में एक मैग्नेट रोटेट करते हैं तो हमें यहाँ पर फिर से 3 सप्लाई अलग अलग मिल सकते हैं। इसी को हम कहते हैं 3 फेज सप्लाई। ठीक है, तो 3 फेज जनरेशन कुछ इस तरह से होता है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे कंसेप्ट। एक्चुअली जब अल्टरनेट जनरेटर बनाया जाता है 3 फेज जनरेटर, तो मोस्टली उसको इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दोनों के दोनों इक्विवेलेंट सर्किट है। तो देखिए यहाँ पर सर्किट अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, और 3 कंडक्टर्स, एक ये वाला और ये वाला, यहाँ पर 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रखा है। देखिए 3 कंडक्टर जो है उसको स्पेशल कलर दिया है, एक है रेड, सेकंड है येलो और थर्ड है ब्लू। इसका जो सीक्वेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है। रेड जो है हमने यहाँ पर इनिशियली 0 पोजीशन पे रखा है, इससे 120 डिग्री अवे हमने वाई को रखा है, और फिर से वाई से 120 डिग्री हमने बी को रखा है यानी ब्लू को रखा है, या फिर R से 240 डिग्री अवे हमने यहाँ पर ब्लू को रखा है। तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग एंड देखिए, ये है R1, Y1 और B1, और जो एंडिंग रहता है इसका, ये है R2, Y2 और B2। यहाँ पर बेसिकली स्टार्टिंग एंड का जो एंगल है ये 120 डिग्री है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, प्रीवियसली हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर सिंगल कंडक्टर रोटेट होता है तो साइन वेव जनरेट होती है, 3 फेज 3 कंडक्टर्स भी रोटेट होगी तो साइन वेव हर एक कंडक्टर में यहाँ पर जनरेट होगी। इसी प्रिंसिपल को देखते हुए हम बता सकते हैं कि अगर हमने रेड को एज अ रेफरेंस कंसिडर किया है, तो हम कह सकते हैं कि R से शुरू करेंगे, ये 0 डिग्री पर से शुरू हो जाएगा, तो हमारी साइकिल जो है कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ये है अपना से, अगर आपको ये वोल्टेज बताना है तो वोल्टेज, और ये है हमारा टाइम एक्सेस। तो इस तरह से हमें रेट की वेवफॉर्म मिल जाएगी जो कि 0 से स्टार्ट होगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ से शुरू होता है, हमारा वाई जो है, वाई यानी येल्लो वायर, ये येल्लो कंडक्टर था एग्जैक्टली 120 डिग्री अवे, 120 डिग्री अवे रहेगा, तो ये 120 डिग्री लेट शुरू होगा। अब अपना जो साइन वेव फॉर्म रहता है ये यहाँ पर 90 डिग्री रहता है, और इस पॉइंट पे रहता है 180 डिग्री। अब 120 डिग्री कहाँ पर आएगा, करीब करीब यहाँ पर, तो जो येल्लो रहेगा वो इस तरह से शुरू होगा। इसको अलग वेव फॉर्म पे बताते हैं हम, तो
तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस पॉइंट पे करीब करीब ये शुरू हो रहा है और फिर से सेम फ्रिक्वेंसी के साथ यहाँ पर वेव फॉर्म बनाएगा। अब जो थर्ड वेव है यानी थर्ड कंडक्टर वो है ब्लू, ये फिर से यहाँ पर 120 डिग्री अपार्ट है इससे येलो से, या फिर 240 डिग्री रेड से है। तो रेड यहाँ पर है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री यहाँ पर रहता है। तो 240 डिग्री कुछ यहाँ पर से शुरू हो जाएगा। तो जो ब्लू है उसका वेवफॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब अगर हम इसको डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें वेवफॉर्म दिखाई देगी। अब ये है हमारा थ्री फेज सप्लाई, जो इंडिविजुअली हमने यहाँ पर थ्री कंडक्टर्स के लिए कंसिडर किया है। लेकिन हमें पता है कि हम जो कंडक्टर्स है वो रोटेट करते हैं एक साथ। सबसे पहले इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए हमने रेड को शुरू किया था 0 पर से, इसीलिए इसका सिंपल जो फॉर्मूला रहेगा ये आ जाएगा EM sin ωt। हम EMF की बात कर रहे हैं, अगर वोल्टेज की बात करते तो इसको VR = VM sin ωt से इंडिकेट करते थे। ये हमारी साइन वेव फॉर्म जो रहती है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ ये हो रहे हैं 0 से शुरू, इसीलिए यहाँ पर आएगा ER, R से इंडिकेट करता है रेड वायर। तो ये जो है ये ER है। देखिए ER = EM sin ωt, EM यानी ये मैक्सिमम वैल्यू रहती है यहाँ पर की। और ये येलो येलो जो है, येलो यानी EY है 120 डिग्री अवे, 120 डिग्री बाद में शुरू होगी, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन आएगा और 120 डिग्री लिखा है। थर्ड जो है ये ब्लू है, ये 240 डिग्री अवे है रेड से, क्योंकि हमारा रेड रेफरेंस है। तो हमें यहाँ पर EB = EM sin ωt मिलेगा -240 डिग्री। यहाँ पर सभी के सभी EM है क्योंकि सभी कंडक्टर्स की लेंथ हमने अज्यूम की थी कि वो सेम लेंथ के हैं और सेम EMF यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। अगर हमें इसी वेवफॉर्म को सिंगल लाइन पे, क्योंकि हम तीनों के तीनों फेजेस, ये तीनों वेवफॉर्म्स को एक साथ, तीनों कंडक्टर्स को एक साथ रोटेट कर रहे हैं, तो ये तीनों वेवफॉर्म एक साथ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये रेड हम यहाँ पर लेके जाएंगे, ये ही वाई यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा 120 डिग्री अवे, यहाँ से शुरू होगा वो, और ब्लू 240 डिग्री यानी कुछ यहाँ से शुरू होगा इस तरह से। तो हमें एक्चुअल EMF जो है उसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये है हमारे थ्री फेज सप्लाई की वेव फॉर्म, जिसमें ये टाइम एक्सिस है, ये EMF रहेगा, ये 0 पॉइंट है, और ये मैक्सिमम EMF जिसको हमने EM कहा है। इसमें ये है हमारा ER, ये है EY और ये है EB। तो इस तरह से हमें थ्री फेज सप्लाई मिल जाता है। अब बात करते हैं फेजर डायग्राम की। तो फेजर डायग्राम बिल्कुल हम इससे निकाल सकते हैं। देखिए रेफरेंस रहेगा तो ये एक्स एक्सिस पे आएगा इस तरह से, और 120 डिग्री अवे है, 120 डिग्री वाई अवे है, तो ये क्लॉक माइनस है, माइनस आएगा, तो इसको हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। इस पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी लैगिंग रहता है, जो कि माइनस से हम इंडिकेट करते हैं। तो ये 120 डिग्री यहाँ पर आएगा, ये हो गया येलो। और थर्ड जो है ये ब्लू है, ये इस पॉइंट से 240 डिग्री अवे, या फिर 120 डिग्री प्लस भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको प्लस 120 डिग्री भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर थर्ड वायर ब्लू मिल जाएगा। तो RYB का फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से रहता है। अब बात करते हैं फेज सीक्वेंस की। फेज सीक्वेंस यानी जो ऑर्डर रहती है सीक्वेंस फेजेस की हमारे, द ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच द वोल्टेजेस इन थ्री फेज रीच देयर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें पता था कि रेड की मैक्सिमम वैल्यू पहले मिलती है, बाद में वाई की और बाद में बी की। तो यही है हमारा एक्चुअल सीक्वेंस, जिसे जनरली नॉर्मल सीक्वेंस कंसिडर किया जाता है, RYB, रेड येलो एंड ब्लू। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। तो फेज सीक्वेंस जो है ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर जो है ये डिसाइड करती है। बेसिकली क्या है, अगर अगर एक मोटर है
उसका आर वाई भी ऐसा कनेक्शन किया है, और ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी तो अगर मैं फेज सीक्वेंस चेंज करता हूँ तो चेंज करना यानी क्या, तो देखिए आर वाई बी में सिर्फ दो टर्मिनल, हमें कोई भी दो टर्मिनल इंटरचेंज करने हैं, तो ये आर को अगर हम सेम रखते हैं, वाई और बी को चेंज करते हैं, तो ये आर बी वाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ठीक है, अब कोई भी दो कर सकते हैं, यहाँ पर आर वाई को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो वाई आर बी ये हमारा सीक्वेंस मिल जाएगा, ऐसा कुछ तरह कुछ। तो अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं कोई भी दो टर्मिनल्स को, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल बी रिवर्स। तो अगर ये प्रीवियसली क्लॉकवाइज रोटेट होती होगी तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी मोटर। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ फेज सीक्वेंस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।